था जहाँ आई थी जब मैच चल रहा आईपीएल, यहाँ आईपीएल नहीं देखी ऐसा नहीं बोलना था इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और इस चटनी में तो तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज है 23 अप्रैल, और आज जो है हमें एक अचानक से फोन आता है कि यार आपका एक पार्सल आया हुआ है। तो गाइज वो पार्सल ये जो है आदियोगी का रुद्राक्ष जो है आया है वहाँ से कोयम्बटूर से। तो ये हमने मतलब रजिस्टर किया था ईशा फाउंडेशन के साइट पे महाशिवरात्रि में, तो कोई पता नहीं था कि जो है ये मतलब आ जाएगा हमारे पास, रुद्राक्ष हमें मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा आशा नहीं था। लेकिन आज अचानक से ऐसे फोन आता है, लक साथ दिया, लक जो है महादेव उसमें रहता ना कि कौन। हाँ, सिर्फ वो स्पेशल ही मतलब पहले रजिस्टर जो करते उन्हीं लोग को मिलता है। तो शायद लक है कि जो है महादेव की कृपा ही है कि जो मुझे मिला रुद्राक्ष। थैंक यू ईशा फाउंडेशन को, और बहुत बहुत धन्यवाद ईशा फाउंडेशन उनके टीम को जो भी मतलब जुड़े हुए, सदगुरु और सदगुरु जी को मेरा प्रणाम अगर वो वीडियो देखेंगे। खैर, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दिखाते हैं आपको। कोई कार्ड है जो कि आदियोगी का है, महादेव ये देखिए, इसमें और शिव का कार्ड है, और एक रुद्राक्ष दीक्षा के बारे में बताया गया है कि इसका कैसे इसको धारण करना है। सारी चीज़ें मैनुअली कई सारी भाषाओं में दी गई हैं, मतलब कई सारे लैंग्वेज में दिया गया है, ये हिंदी में भी है। तो अभी इसको पढ़ेंगे, फिर एक और चीज़ जो मेन रुद्राक्ष, ये शायद विभूति है, ये विभूति है जो भी वहाँ का मतलब दिया गया है उसको साथ में। ये है रुद्राक्ष जो कि ये मेन इसमें ऐसे पैकेट्स में आता है रुद्राक्ष। ये शायद धागा है जो जिस धागे में इसको वो रखा जाएगा, और ये भी कुछ है जिसके भी देखते हैं इसके अंदर क्या है, शायद धागा ही है इसमें भी, वही चीज़ है। दो धागे दिए हुए हैं हाँ, दो धागे दिए हुए हैं। बस इतना ही है, बॉक्स खाली हो चुका है, और अभी जो है देखते हैं कि रुद्राक्ष दीक्षा का कैसे क्या है, वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पे, उसके बाद जो है इसको धारण करेंगे। फिलहाल यही रहा एक छोटा सा वीडियो जो कि आप लोग को बताना था, और मुझे पता नहीं था, मुझे बिलीव नहीं था कि ये मिल जाएगा। हर हर महादेव। ये गाइस, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, भैया यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है चटनी। यहाँ पे हमारे दो शेफ लगे हुए हैं, आज लाइट नहीं है दोस्त, आज लाइट नहीं है, लेकिन मौसम को ध्यान मद्देनजर रखते ये प्रोग्राम रैंडमली बना है। तो यहाँ पे बने जा रहे हैं पकौड़े, ये चटनी तैयार है। कुछ कहना चाहते हैं जी? आप खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी तक सब कुछ। और एक और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट था, थोड़ा सा कैमरा ऑफ करिए। अरे चलो, तो हमारे तीसरे किरदार हैं, थोड़ा हाय हेलो बोल दीजिए। तो कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। यहाँ ये भी लगे हैं, ऐसे बना रहे, तरक्की करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीन तीन लोग हैं,
अरे डराओ ना भैया, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, गिलास का बदला इसी से ले लो, क्या अलग अलग काम है भैया। यहाँ मनीष लगे हैं, वो तो वैसे में डराएगा भैया। अरे तुम इधर जाने तो उधर ले जाने, उधर जाने तो इधर जाओगे, भी जीते भैया छुपान लो, क्यों नहीं 200 190 पटक गए अंदर में। अरे तो फिर 190 काफी है, कुछ नहीं काफी है। हमारे चौथे किरदार नहीं आए हैं, चौथे किरदार म्यूजिक कंपोजर है ये चंपा की चिलगोजन लाइव कैमरे पे कोई इतना लेकिन भाई क्लियर आ रहा बहुत सही है, तो दो दो डीजे लगाऊं। हमारे चौथे किरदार अब चार लोग हो गए, एक चार तरह की चीजें बना रहे हैं, चार लोग मिलकर पकौड़ी बना रहे हैं, घर चार नहीं रहा। अरे चारों चार चीज में एक्सपर्ट है भाई, कैमरे के पीछे भी एक इंसान है, उसको नहीं गिने। कैमरे के पीछे जो इंसान है वो खाली हंस रहे हैं। अरे वही तो है, उनमें भी टैलेंट है, एंगल बदल गया। ये क्या कर रहा हूँ मैं? कैमरे के पीछे जो किरदार पांचों कैरेक्टर्स में सबसे उम्दा और सबसे अरे ये क्या स्टोरी राइटर भी यही है, ये देखिए ये काफी समय बाद वो भी ऑन कर दो, लाइट आ गई, रौनक आ गई, क्या बात है, क्या बात है। IPL वाले तो यहाँ पे दूसरा टेप प्याज का बनता हुआ। अरे वाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू, चलाओ चलाओ मैं अलग कर दो, थोड़ा सा धीमा करूँ क्या फ्लेम, थोड़ा सा धीमा, बस बस रहे दो। लेट मी डू समथिंग, जाने माने बाबा प्रशांत कुमार 10 साल से पकौड़ी बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं पाए, खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है। जो हमारे सबसे मेंबर थे, सबसे सीनियर, ये देखिए और क्या कलर आया है, वाह अति सुंदर। अरे भाई काफी, ये क्या था भैया, वो वाला ना करो नीचे भैया, तुम्हें नहीं तुम छोड़े हो, नहीं वो नीचे उसमें तेल है, वो वाला काहे इतना ना ये चौक बना रहे हैं, इसी में जले जा रहे हैं, क्या हो रहा भैया, पकौड़ी बना रहे हैं उसी में जले हुए। ऐसा नहीं बोलना था, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है भैया। ये है प्रशांत सर का पकौड़ी, इससे पहले हम लोग खाए थे प्रिबल की खिचड़ी। दबा करो थोड़ा सा, बोल बन जाएगा आज, क्या हुआ आपके साथ, अरे लगी है भूख अभी, ऐसे लोग दुकान पर बैठ जाए तो कस्टमर भाग जाएगा, तुम भैया तुम बना के नहीं खाओ, कोई दूसरा वाईफाई लगवाया था क्या अभी, ये नहीं वो सिक्का वाला था उसके पहले, ये ऐसे फालतू क्या विषय है। स्वागत है रिटर्निंग बादशाह में, आइए सर, चलो भैया है ये बादशाह रिटर्न, भैया अभी तो है, आओ तो ठंडा आ जाएगा। एक बार अपना अपना एक्सपीरियंस दे दो सब, माशाल्लाह इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और इस चटनी में तो अजब अलग सी बात है, बहुत ही डिलीशियस बनाया है, उस नाचीज के हाथ मुझे चाहिए, क्रेडिट गोज टू, और क्रेडिट गोज टू प्रशांत भैया ने भी मिली। भैया बस ये कमी है, लाइट नहीं है, इधर चाय वो है, अरे ये भी एक अलग सा वो है, ये खा लो भैया, ये दम पाया जा रहा है, सिर्फ दो बॉल ही खेलने के, स्टंप कमर से ऊपर है या
वो धोनी करीब और फ्री हिट नहीं किया करते, धोनी सिस्टम एंड फ्री हिट भी मिल चुका है दोस्तों। अब जो है देखिए लाइट चल चुकी है दोस्तों, फ्लैग जला के उनका स्वागत किया जा रहा है। सी आज मी टू चूज बिटवीन धोनी, मी चूज धोनी, मैं 236 बनाने भाई उनकी।